हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अ डे विद यस्मीन। आज मैं आप लोगों को सेबामेड शैम्पू का रिव्यू बताऊंगी और ये कैसे अप्लाई करते हैं और इसका बेनिफिट्स आप लोगों को बताऊंगी। तो ये है सेबामेड शैम्पू है। ये शैम्पू का बेस्ट क्वालिटी है। ये पीएच 5.5 को बैलेंस करके रखता है और ये क्लिनिकली टेस्टेड है। ये शैम्पू बेबी के स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, बेबी के स्कैल्प के लिए बहुत ही अच्छा है। ये कैमोमाइल से बना हुआ है। ये एक्स्ट्रा माइल्ड है फॉर हेयर एंड स्कैल्प। ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चर करते हैं एंड ये टेयर फ्री है, जो कि बेबी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेयर फ्री शैम्पू होना बेबी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हम लोग सेबामेड शैम्पू क्यों यूज़ करेंगे। सेबामेड शैम्पू का बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये बेबी की स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करके रखते हैं। न्यूबॉर्न के लिए भी ये शैम्पू बहुत ही यूज़फुल है एंड बहुत ही हेल्पफुल है और ये टीयर्स फ्री है, तो न्यूबॉर्न के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये एक 150 ml का एक बॉटल है जिसका प्राइस है 450 rupees। और ये शैम्पू का जो पीएच 5.5 फार्मूला है, जो बेबी के स्किन का पीएच को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके रखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा एक शैम्पू है। अगर आप दूसरा कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे, दूसरा कोई शैम्पू यूज़ कर रहे और आपने अभी तक सेबामेड का शैम्पू यूज़ नहीं किए, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये आपके बेबी के जो हेयर है उसको इमीडिएटली स्मूथ कर देता है और सिल्की बना देते हैं, तो इसका यूज़ आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। तो ये है इसका बॉटल, ये कुछ इस तरह की दिखने में होता है और ये एक बॉटल आपको बहुत दिन चलने वाले है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बेबी को वीकली वंस शैम्पू करवाते हैं और ये 150 ml का बॉटल है, तो आपको आराम से 6 महीना ये चल जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली तो है 450 rupees, मगर आपको अगर 6 महीना चल जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हो अपने बेबी के लिए। तो ये एकदम जेल बेस में है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये बिल्कुल जेल बेस में है, नॉर्मल शैम्पू की तरह। ये इसका फ्रेग्रेंस जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस है, तो बेबी को ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर माइल्ड फ्रेग्रेंस नहीं होता है तो बेबी लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, बट इस मामले में आपको बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही माइल्ड है एंड बहुत ही खूबसूरत है और ये बहुत ही जेल बेसिस पे है। आपको बस थोड़ा सा अमाउंट लगेगा और अपने बेबी की स्किन के लिए, स्कैल्प के लिए और हेयर के लिए ये परफेक्ट हो जाता है। तो अभी तक मैंने बहुत सारा शैम्पू अपने बेबी के लिए ट्राई किए हैं, 2-3 शैम्पू तो ट्राई किए हैं और ये 3rd या 4th मेरा ट्राई है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी मैं इसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। चलिए इसको अपने बेबी के स्कैल्प में और हेयर में अप्लाई करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आ गए हम बाथरूम में और अपने बेबी को बाथ के टाइम हो गया, तो उसको आज मैं शैम्पू करवाऊंगी। हफ्ते में एक दिन मैं उसको शैम्पू कराती हूँ और बॉडी वॉश से मैं उसको अल्टरनेटिव डे में बॉडी वॉश से नहलाती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा अमाउंट उसके हेयर पे लूँगी, तो इतना सा अमाउंट आपको लेना है और उससे पहले अपने बेबी को जो हेयर है और स्कैल्प है उसको अच्छे से भिगा लेना है। तो देखिए, उसको मैं अच्छे से इससे शैम्पू करा दे रही हूँ और इसका जो टेक्सचर है, शैम्पू का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा है और इमीडिएटली अपने बेबी को जो स्कैल्प एंड हेयर है उसको बहुत ही मॉइस्चराइजिंग एंड स्मूथ कर देते हैं एंड हेयर बहुत ही सिल्की एंड स्मूथ हो जाता है। तो मुझे सच में ये शैम्पू बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिए। और देखिए, ये टेयर फ्री है तो मेरी बेबी बिल्कुल इससे, उसको इरिटेशन नहीं हो रहा है। उसके आँख में थोड़ा सा गया लेकिन उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल टेयर फ्री है। आप बेफिक्र होकर अपने बेबी को ये अप्लाई कर सकती हो। मेरी बेबी शैम्पू करने के टाइम में शैम्पू से जो बबल्स बनता है उससे खेलना बहुत पसंद करते हैं, तो उसका नहाना हो चुका है। देखिए उसका हेयर कितना अच्छे से स्मूथली हो चुका है। अभी उसको मैं रेडी कर दी हूँ और देखिए उसको मैं हेयर कॉम्ब कर रही हूँ, तो वो कितने अच्छे से देख रहे हैं और इसका हेयर सच में बहुत ही स्मूथ हो चुका है। तो आप लोग भी ये शैम्पू ज़रूर ट्राई करें और बताएं ये शैम्पू आप लोगों को कैसा लगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा, वीडियो हेल्पफुल लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी बेटी जो बाय बोल रहे हैं और आप लोगों को किसी दे रहे हैं, उसके लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।